आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से ग्वालियर तक का सफर। इंडिया की वन ऑफ द प्रीमियम और फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन जो है राजधानी प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। बिना सब्सक्राइब बटन दबाए इस गाड़ी में यात्रा करना दंडनीय अपराध है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फ्लो विद जूही। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में। और आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से ग्वालियर तक का सफर। ये सफर हम करेंगे इंडिया की वन ऑफ द प्रीमियम और फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन जो है राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपना सफर तय करेंगे सीएसएमटी राजधानी एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, सीएसएमटी राजधानी हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बनकर चलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको सीएसएमटी ऑनबोर्ड करनी है तो आप स्टेशन के सराय काले खान की तरफ से एंट्री ना ले, क्योंकि यहां पर कोई लिफ्ट या एस्केलेटर नहीं है और आपको कई सारे पुल क्रॉस करने पड़ेंगे। यही रीजन है फ्रेंड्स कि स्टेशन की इस तरफ की एंट्री में आपको काफी सारे कूली मिलेंगे। अगर आपको कूली की हेल्प चाहिए तो वो इजिली अवेलेबल है, और इसीलिए मैंने भी एक कूली ले ही लिया 150 में, क्योंकि निश्चय के साथ मेरे लिए प्लेटफॉर्म चेंज करना सामान के साथ पॉसिबल नहीं था। फ्रेंड्स, जो कि सीएसएमटी यहीं से बनकर चलती है, इसीलिए ये काफी पहले से ही स्टेशन पर लग जाती है। May I have your attention, please? फ्रेंड्स, ट्रेन नंबर 22222 हजरत निजामुद्दीन सीएसएमटी राजधानी डेली चलती है हजरत निजामुद्दीन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के बीच में। फ्रेंड्स, ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से ओपन होगी 16:55 PM को, और ये सीएसएमटी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में पहुंचाएगी कल सुबह 11 बजे। चलिए आज आपको अंदर से ट्रेन का इंटीरियर दिखाते हैं। सेकंड एसी की कोच में एंट्री लेते ही राइट साइड मिलता है एक वॉश बेसिन, क्लोज्ड डस्टबिन, और इसके लेफ्ट साइड में होता है अंदर जाने का गेट। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आपको सेकंड एसी कोच के अंदर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड एसी कोच में आपको टोटल मिलती है 4 बर्थ्स, 2 अपर बर्थ एंड 2 लोअर बर्थ। लोअर बर्थ के नीचे की स्पेस में आप आराम से अपना लगेज रख सकते हैं। हर सीट को यहाँ प्रोवाइडेड है एक पिलो और ब्लैंकेट, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। बिल्कुल इसी तरह होती हैं साइड लोअर और साइड अपर बर्थ। यहाँ पर भी हर सीट पर मिलता है आपको एक पिलो और एक ब्लैंकेट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, चलिए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हर एक सीट को एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है, यानी यहाँ पर आपको टोटल 4 चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। सामान हैंग करने के लिए भी हुक्स मिलते हैं, एक मिरर मिलता है, और मिरर के ऊपर होता है स्मॉल लगेज रखने के लिए एक लगेज स्टैंड, और ट्रेन रोकने के लिए एक हैंड ब्रेक। रीडिंग लाइट्स यहाँ हर एक सीट को मिलती है, 2 अपर सीट्स एज वेल एज 2 लोअर सीट्स। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ एक न्यूज़पेपर, और हर एक कोच में एंट्री गेट के ऊपर ही होता है एक फंक्शनल सीसीटीवी कैमरा। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर इस कोच के वॉशरूम की, तो यहाँ ईस्टर्न स्टाइल वॉशरूम था, और जो कि ट्रेन यहीं से बनकर चलती है इसीलिए ये काफी ज्यादा क्लीन था और यहाँ सारी ही फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थी। इंडियन रेलवे नेटवर्क में राजधानी एक्सप्रेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। ये एक फुली एयर कंडीशन ट्रेन होती है। सो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन राइट टाइम यानी 16:55 PM पे ये खुल चुकी थी, और इसका जो अगला स्टेशन आएगा वो है आगरा कैंट, जो आएगा कुछ 7 बजे। फ्रेंड्स, ट्रेन स्टार्ट होने के बाद हर एक सीट को मिलती है एक वाटर बॉटल। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए क्लीनलीनेस की, तो ये अपने राजधानी के एक्सपेक्टेशन को मीट कर रही थी, क्योंकि ट्रेन काफी ज्यादा क्लीन थी। फ्रेंड्स, हर सीट को मिलता है 2 बेडशीट एंड टॉवल का एक पैक। चलिए करते हैं इसे ओपन। एंड ये बेडशीट्स एंड टॉवल काफी ज्यादा क्लीन थी।
फ्रेंड्स, यूजुअली ट्रेन्स की साइड बर्थ इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, पर राजधानी की साइड बर्थ काफी कंफर्टेबल थी। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें मिला इवनिंग स्नैक्स। इसमें हमें मिली एक सोन पापड़ी और हमें मिला एक खट्टा मीठा नमकीन का पैकेट। इसके अलावा था एक गुड़ चने का पैकेट। ये मैंने पहली बार देखा, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो ये इस तरह के कुछ बॉल्स थे गुड़ और चने के, टेस्टी थे। इसके साथ हमें एक और चीज़ मिली, ये कचौड़ी। फ्रेंड्स, ये कचौड़ी काफ़ी ऑयली थी जो मैंने नहीं खाई। और एक फ्रूटी का पैक। इवनिंग स्नैक्स के साथ आपको मिलता है चाय बनाने की सामग्री जैसे गर्म पानी। और इसी के साथ चाय की चुस्की लगाते हुए हम लेते हैं अपने ट्रेन के सफ़र का आनंद। राजधानी टोटल 1537 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करती है, जिसके लिए ये 18 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम लेती है। इसकी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। अपनी इस जर्नी में ये टोटल 7 हॉल्ट्स लेती है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से स्टेशन्स कवर करती है। डे 1 हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलकर इसके स्टॉपेज होते हैं आगरा कैंट, ग्वालियर और झांसी। डे 2 के इसके स्टॉपेज होते हैं भोपाल, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण और CSMT। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं इसके डिनर की। फ्रेंड्स, डिनर में हमें मिलता है मटर पनीर की गीली सब्जी, दाल, चावल और दही का एक बाउल मिलता है। प्लस हमें यहाँ पे एक टॉप्स का पिकल दिया गया है जिसमें करीना कपूर का फोटो है। और इसके अलावा हमें दिया एक नमक का पैक इन्होंने दिया है। इसी के साथ हमें मिली 4 रोटियां जो पर पर्सन इनफ है। रोटियां गरम और मुलायम थी और ओवरऑल खाना टेस्टी था। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एसी का रिकॉर्डिंग मैंने बाहर से लिया था आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी डेस्टिनेशन ग्वालियर हम पहुंच गए थे। कुछ आधा घंटा लेट थी ट्रेन, बट जर्नी थी बहुत कम्फर्टेबल। और इसी के साथ हमारी ट्रेन चल दी अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। फ्रेंड्स, आगे आने वाले हैं ग्वालियर के कई सारे व्लॉग्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेस्टिनेशन यानी ग्वालियर पहुंच चुके और जो हमारी ट्रेन थी वो कुछ आधे घंटे लेट थी और हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रही। तो फ्रेंड्स, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।